हंसते हंसते दिन छी लेकिन अभी तक आया नहीं है। सब हंस रहे हैं, कहा है तेरा कन्हैया। बीच में से एक सखी उठ के कहने लगी, आशा रख पगली आए बड़ी क्या छोड़ने की हम लोग
जिंदगी का सबसे करवा सकता है। नहीं छूटी भैया परिवार को देखते हैं। उसने डिजाइन दिया, कहां पहुंच गई? वृंदावन पहुंच गई। बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठी है। किसी समय मंदिर के बाहर बड़ा सा कटहरा होता था, बैठे बैठे 6 महीने हो गए। अब वो सोचने लगी कि इसने सपने में दर्शन दर्शन मुझे बुला तो लिया, लेकिन बताया नहीं कि बुलाया। फूट फूट कर रोने लगी। एक बाबा ने कहा, बेटी क्यों रो रही है? कहने लगी 6 महीने हो गए, किसी ने बुलाया, मैं नहीं जानती थी, अब बता नहीं रहा कि बुलाया। बाबा ने कहा, तेरे जैसी लाखों बैठी है यहाँ पे जो किसी बात के इंतजार में है कि एक बार बता दे कि तुमने क्यों। मुझसे ये मेरा दिल छीन गया, जहां से मैं अक्सर सताई गई, इलाही मेरे सबर की लाज रखना, मैं दर पर तुम्हारे मेरे हाले दिल पर ए हंसने वालों, मेरे हाले दिल पर ए हंसने वालों, मैं ऐसी नहीं थी बनाई। कहते हैं ना, भाव का भूखा हूँ
से अगर मुझको भजे भव से तेरा, जब दिल में कड़क हुई शाम समझने की कन्हैया ने अपने मित्रों से श्री रामा मनुपंदर कृष्ण भगवान के सखा, मैंने सुना है हमारे गांव में कोई सखी जान लाई है, अरे छह महीने हो गए क्या, मैं कुछ नहीं जानता, कल को वो सखी मुझे यमुना किनारे चाहिए, तू मरवाएगा शादी, अब योजना बनाई गई, सासू माँ पानी भरने की तैयारी में है, ध्यान से सासू माँ ने सर पे मटका रखा, मटके के ऊपर दूसरा मुस्कान, चौखट से बाहर निकली, कृष्ण भगवान के मित्र घर के बाहर बैठे हैं, जैसे ही सासू माँ जाने लगी मित्रों ने केले का छिलका फेंक दिया, बोलो सासू माँ का पैर केले के छिलके पर गया और सासू माँ का पैर टूट गया, सासू माँ अब सासू माँ को चार पाई में घर के अंदर लाए, अब बहुरानी तेल मालिश हो रही है, हल्दी वाला दूध आ रहा है, कहने लगी शाम से मैं जाऊं, अंधेरा होने लगा, सासू माँ को पता है कृष्ण भगवान का स्वभाव कैसा है, वो कब तकिए माँ के किनारे क्रीड़ा करते हैं, जब सूर्य झरने का समय आया बहुरानी को बुलाया, बड़ा सा घूंघट निकाल दिया ताकि चेहरा नजर आए, सर फिर कसके फेंका मारना, आप लोग बेटा जानते हैं, मटका रखा मटके पे दूसरा मटका रखा, कहने लगी भेज तो रही हो लेकिन ये बात का ध्यान रखो, हाँ भैया बेटा खुलना नहीं, जोर से बोला करूंगा बेटा खुलना, घूंघट उठना मार मार, ठीक है भैया, यमुना किनारे पानी भरने पहुंची, देखा यहाँ तो कृष्ण भगवान है ही नहीं, ऐसे ही मेरी माँ बोलती थी, ऐसे ही सासू माँ बोलती थी, यहाँ तो कोई नहीं है, पर चाह है दिल में कि कहीं शाम में जाता तो कुछ मेरा जीवन सही है, गुस्से में फेंटा उतार के फेंक दिया, जब यमुना में पानी भरने उतरी कृष्ण भगवान ने देखा कि मौका बड़ा अच्छा है, पेड़ से छलांग लगाई, दौड़े दौड़े गए, सखी का घूंघट उठाया, नैनो सखी ने शाम को देखा और शाम ने जैसे ही नजरों से नजरें मिली, शाम ने कहा भाभी तू बहुत सुंदर है, क्या कहा भाभी तू बहुत सुंदर है, एक नजर में मेरा कन्हैया सखी से रिश्ता बनाकर चला गया, बहुत भक्त ऐसे हैं जो कृष्ण भगवान का चित्र से जरूर करते हैं, आप जो गंदा बन गए हैं वो इस ओल्ड टेम्पल में जाके देखना, वहां इंग्लिश मैन धोती कुर्ते के अंदर बैठे और हम जींस पहन के बैठे हैं, बोलो राधे, हम बोलते हैं हम मॉडर्न हो गए, उनसे पूछो जरा उनसे बड़ा मॉडर्न तो नहीं आते कोई नहीं, तारी ज्यादा उनके राधे का देखी छवि पिया की तो मैं अपनी भूल गया, नजर से नजर का मिलाना भी देखा वो चोर सचित को चुरा रहा, नजर ने नजर से मुलाकात कही रहे दोनों खामोशी और बात, इतना कहकर मेरा शाम वहां से भाग गया, कन्हैया तो चले गए, सखी ने पानी भरा तो घर आ रही है, देखिए भाव भाव किसे कहते हैं, अभी भाव आएगा, पानी भर के घर जा रही है, घर के बाहर पहुंची, मटके में मटका है,
चौकट होकर जब घुसने के लिए झुकना जरूरी है, झुकना नहीं पता कहां पता। अब उसे कन्हैया के अलावा कुछ नजर ही नहीं। जैसे ही चौखट के अंदर जाने लगी, मटका चौखट से टकराया और मटका टूट गया। सासू मां समझ गई कि आ गई कर्मचारी। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटा खुलना नहीं चाहिए, घूंघट उठना नहीं चाहिए, तू मानी नहीं, आने दे तेरे खसम को। बताती हूँ भी उसे, चार सोई में जाके चूल्हा चौका कर खाना खा। खाना बनाते बनाते चूल्हे में लकड़ी ही खत्म है, चूल्हे में लकड़ी की जगह अपने हाथ से आग जलाकर खाना बना रही है।